हेलो और नमस्कार दोस्तों, आप सबको दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि आ चुकी है और कोलकाता वेस्ट बंगाल में पूरा धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाते हैं। नवरात्रि तो हम पूरे भारत में मनाते हैं, लेकिन कोलकाता में दुर्गा पूजा मतलब ये लोग अलग ही किस्म से मनाता है। थीम पूजा मतलब अलग अलग पंडाल बनाते हैं और माता का मूर्ति अच्छा अच्छा बनाते हैं। मतलब ओवरऑल एक बहुत अच्छा घूमने का जश्न का ये पूरा उत्सव होता है, पूरा फेस्टिवल जैसा। तो अभी जहाँ पे आए हैं, जहाँ मैं हमेशा घूमते रहता हूँ, ये है न्यू टाउन सार्वजनिक क्लब। मतलब मैं न्यू टाउन के आसपास ही घूमते रहता हूँ, ज़्यादातर वीडियो मेरा इधर का ही रहता है। और यहाँ पे देखिए, ये पूरा आपका जो कार्डबोर्ड होता है, कार्डबोर्ड मतलब प्लास्टिक वाला नहीं, प्लाई वाला, उससे पूरा बनाया हुआ है, पूरा मंदिर के जैसा बनाया हुआ है। और देखिए माता का मूर्ति भी है, और फिर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम लग रहा है कि सच में मंदिर ही है पूरा, कि पंडाल नहीं बना हुआ है, पूरा मंदिर है ये। तो यहाँ पे अगर कोलकाता में आप है तो जरूर अभी घूमना चाहिए। और यहाँ आने के लिए आपको कोलकाता का न्यू टाउन जो सेंटर स्क्वायर है, सेंट्रल स्क्वायर, वहाँ पे आना पड़ेगा, वहीं पे है ये। ये मैं नवरात्रि के तीसरे दिन यानी तृतीया को घूम रहा हूँ, तो थोड़ा फाका फाका मुझे खाली खाली मिल रहा है, वरना मतलब आगे चल के तो यहाँ बाइक पार्किंग भी नहीं करने देते। ये देखिए पूरा ये बाहर का जो थीम है ना, अंदर ये मंदिर बना है, और बाहर का जो थीम है ये पूरा वर्ल्ड कप पे बना हुआ है। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है और हमारे इंडिया में ही वर्ल्ड कप हो रहा है। और यहाँ देखिए दुर्गा जी का सेल्फी पॉइंट, मतलब जो भीड़ से यहाँ आएंगे सेल्फी वहाँ नहीं ले पाएंगे, तो दुर्गा जी के साथ मतलब यहाँ भी बनाया हुआ है सेल्फी पॉइंट है पूरा। ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, अलग अलग मेला होते रहता है यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब देखिए पूरा वर्ल्ड कप का कैसा पूरा बहुत अच्छा थीम बनाया हुआ है, और खाली टाइम में घूमने में बहुत अच्छा लग रहा था। और हालांकि आगे जितना दुर्गा पूजा अष्टमी नवमी पास आएगा उतना भीड़ बढ़ते जाता है, पूरा भीड़ पूरा बहुत ज़्यादा बढ़ते जाता है। तो ऐसे ही करते करते एक आप लोग को एक व्यू दिखा दिए यहाँ का, कि कैसा लगा आप लोग को ये ज़रूर बताइएगा। एंड अब यहाँ का बाहर का लाइटिंग का व्यू आपको पूरा दिखा देते हैं, बाइक से पूरा आगे पीछे घूम के साइड साइड से पूरा। और ऐसे ही मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो देखते रहिएगा, मैं ऐसे ही करके अपडेट करते रहूँगा। एंड ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अभी आप वीडियो बंद मत कीजिएगा, अभी देखिए पूरा लाइटिंग वगैरह सब कुछ मैं इसमें दिखाऊँगा अच्छे से क्या है। उधर का देख सकते हैं कि एंट्री वगैरह उधर बंद कर दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ जो सेंट्रल मॉल है ये है यहाँ पे, तो एक लगभग आप लोग को 360 व्यू दिखा दे रहा हूँ मैं। सो यही है, देखते रहिए एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।